महिला जनप्रतिनिधिक दिनटे केवल महिला जनप्रतिनिधि विधानसभा कहार सुजोग पाई एपरी नुआ कथा करी देखाई उत्तर प्रदेश विधानसभा सेप्टेम्बर 22 अर्थात आज दिन को केवल महिला विधायिका एवं मंत्री उत्सर्ग करने को पूर्व घोषणा करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुसार आज यूपी विधानसभा दलमत निर्विशेष केवल महिला जनप्रतिनिधि कहार सुजोग पाई अधिवेशन चलने पूर्व यह बेश उत्साह देखा महिला जनप्रतिनिधि ऐतिहासिक क्षण है जिसको उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की जनता देखेगी और उसमें हम सभी मैं भागीदारी हूँ उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ और मुझे लगता है कि इस साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो उस अमृत महोत्सव के तहत अगर ये पहल है तो ये बहुत ही अच्छा दिन है और सभी महिला विधायक बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश माना जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिला विधायकों ने ही ये बात उठाई थी। एक समूह की बैठक हुई थी महिला विधायकों की तो उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में लेके उसको प्रत्यक्ष रूप में कर पाए उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ऐसी कोई महिला नहीं होगी 47 महिला विधायक हैं विधानसभा में तो ऐसी कोई भी महिला नहीं होगी जो अपनी बात ना रखे सभी बोलेंगे और मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं भी रखूंगी महिला सशक्तिकरण पे भी बात करूंगी और जो भी सरकार की योजनाएं हैं मिशन शक्ति के अंतर्गत उस पे भी बात करूंगी। जब हम विधानसभा के अंदर होते हैं तो एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है तो जब उनके सवाल आएंगे तो उसके लिए हम पक्ष की सभी महिलाएँ तैयार हैं देने के लिए। महिला जनप्रतिनिधि दिनटे केवल महिला जनप्रतिनिधि विधानसभा कहार सुजोग पाई एपरी नुआ कथा करी देखाई उत्तर प्रदेश विधानसभा सेप्टेम्बर 22 अर्थात आज दिन को केवल महिला विधायिका एवं मंत्री उत्सर्ग करने को पूर्व घोषणा करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुसार आज यूपी विधानसभा दलमत निर्विशेष केवल महिला जनप्रतिनिधि कहार सुजोग पाई अधिवेशन चलने पूर्व यह बेश उत्साह देखा महिला जनप्रतिनिधि ऐतिहासिक क्षण है जिसको उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की जनता देखेगी और उसमें हम सभी मैं भागीदारी हूँ उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ और मुझे लगता है कि इस साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो उस अमृत महोत्सव के तहत अगर ये पहल है तो ये बहुत ही अच्छा दिन है और सभी महिला विधायक बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश माना जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिला विधायकों ने ही ये बात उठाई थी। एक समूह की बैठक हुई थी महिला विधायकों की तो उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में लेके उसको प्रत्यक्ष रूप में कर पाया उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ऐसी कोई महिला नहीं होगी 47 महिला विधायक हैं विधानसभा में तो ऐसी कोई भी महिला नहीं होगी जो अपनी बात ना रखे सभी बोलेंगे और मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं भी रखूंगी महिला सशक्तिकरण पे भी बात करूंगी और जो भी सरकार की योजनाएं हैं मिशन शक्ति के अंतर्गत उस पे भी बात करूंगी। जब हम विधानसभा के अंदर होते हैं तो एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है तो जब उनके सवाल आएंगे तो उसके लिए हम पक्ष की सभी महिलाएँ तैयार हैं देने के लिए।